नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको चिल्ली सॉस की रेसिपी बताने वाली हूँ। आइए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए मैंने 250 ग्राम नींबू लिए हैं, 250 ग्राम मैंने हरी मिर्ची ली है, जो सामान्य हम घर पे खाते हैं वही छोटी साइज वाली है ये, लहसुन लिया है। इसके बाद में नमक लिया सफ़ेद वाला, जीरा, सौंफ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, राई, काला नमक और किचन किंग। सबसे पहले हमने मिर्ची को धो लिया है, नींबू को भी धो लिया है, इनको अच्छे से इनका पानी हम सुखा लेंगे। इसके बाद में मैंने हरी मिर्ची को काट लिया पोंछ के, लहसुन भी छील लिया है, लहसुन को काटा नहीं है, साबुत ही रखा है, और नींबू भी कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल लेंगे। तेल हम ज़्यादा नहीं लेंगे, आधा चम्मच ही लेंगे, बड़े वाला जो होता है, क्योंकि हमें सॉस बनाना है इसलिए तेल ज़्यादा नहीं लेना है। इसके बाद में तेल गर्म होने के बाद में जो हमने जीरा, राई और सौंफ लिए हैं वो डाल देंगे। इसके बाद में जो हमारी हरी मिर्ची है और लहसुन है वो डाल देंगे, चलाएंगे। दो मिनट इस तरह हमने पकाने के बाद में इसमें आधा चम्मच सफ़ेद वाला नमक डालेंगे, चौथाई चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे और चलाएंगे। मिर्ची हमें अच्छे से पकाने हैं, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि सॉस ख़राब हो जाएगा अगर पानी रहता है तो। चलो चलाएंगे। इसके बाद में एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद में जो हमारा किचन किंग है वो डालेंगे एक चम्मच, एक चम्मच डालना है, चला देंगे। ये देखिए पानी बिल्कुल बोलना बंद हो गए हैं, तो मतलब अच्छे से पक गई है ये देखिए। इसके बाद में गैस बंद कर देंगे। जब तक मिर्ची ठंडी हो रही है तब तक नींबू का रस निकाल लेंगे। आप अपनी विधि से निकाल सकते हैं जैसे आपको सही लगे। इसके बाद में हमने नींबू का रस निकाल लिया है और हमारी मिर्ची भी ठंडी हो गई है। इसके बाद में मिक्सी के जार में लेंगे, जार में ले लिया, चौथाई चम्मच हम काला नमक डालेंगे। नमक हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है क्योंकि नमक ज़्यादा डालेंगे तो हमारा जो चिल्ली सॉस है वो ख़राब नहीं होएगा। उसके बाद में नींबू का रस डाल देंगे, पानी नहीं डालना है, नींबू का रस ही डालना है। इसके बाद में पेस्ट बनाएंगे। इसके बाद में हम चेक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाया है। इसके बाद में कांच का हम कोई भी बर्तन लेंगे या आपके पास में अगर कांच की बोतल है तो उसमें डाल सकते हैं, मैंने कांच का लिया है। इसके बाद में ये इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने सिरका नहीं डाला है, बहुत से लोग सिरका डालते हैं लेकिन सिरका एक तरह का केमिकल होता है और नींबू हमें फ़ायदा पहुँचाता है, इसलिए मैंने नींबू डाला है। तो आप भी नींबू डालिए और इस तरह से बर्तन में डाल लीजिए। इस तरह हमने घर पे चिल्ली सॉस तैयार कर लिया है। मैंने इसमें नींबू का रस डाला है, इसमें सिरका नहीं डाला, बहुत से लोग सिरका डालते हैं लेकिन सिरका एक तरह का केमिकल होता है इसलिए मैंने नहीं डाला। इस तरह आप बना के फ्रिज में अगर रखते हो तो 15 दिन ख़राब नहीं होता, अगर फ्रिज से बाहर रखते हो तो हफ्ता भर
खराब नहीं होता, इसलिए आप जैसा चाहो वैसे रख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।